गाइस अभी हम आए थे पावलो के पास और इसने कराया हुआ है टैटू, देख रहे हो? सरप्राइज। अभी पता नहीं है किसके नाम का, वैसे ही बोरी अंकू के नाम का बनाया, बट कभी बोरी है मम्मी पापा के नाम पे बनाया। तूने नहीं बोला फोन करते नाम का नहीं है। तो फिर किसके नाम का? किसके नाम का? मम्मी के पापा, मम्मी पापा, मम्मी के पापा का। दिखा दे, इधर दिखा, पहले कैमरे में दिखा। क्या है? ओए आगे खोलू? नहीं नहीं, पर मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। खोल ना। क्या हुआ? ये पूरे सच में बनाया है। टॉप एंड ड्रैग रेस है, टॉप एंड। नहीं, मेरे बाल खराब हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हाल हो गया? बाल ठीक कर लीजिए। अरे बोल दी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। मैं आऊंगी, तुम लोग हमेशा से मुझे, मेरे बाल इतने से बचेंगे किसी दिन। रो क्यों रही है? हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई अभी आप देख सकते हो हम बैठे हुए हैं बीच रोड पे, क्योंकि आए थे हम खाना खाने सुबह का खाना खाने आए थे 2 बजे, और इतना बकवास खा रहा था कि हम ना उठ के आगे वहाँ से भाई, मतलब मज़ा ही नहीं आया, सारा मन खराब हो गया। और बिल उन्होंने जितना बनाया ना, उस हिसाब से भाई मैं बोलता हूँ उनको कि देना ही नहीं चाहिए था खाना हमें। पीछे देख सकते हो बाइक्स लगी हुई हैं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। यार मज़ा ही नहीं आया आज खाना खाने में, और बिल फालतू का इतना लंबा चौड़ा दे दिया उन्होंने। तो ये लगी हुई अपनी दोनों बाइक्स, हमने ना भाई आज सुबह इंट्रो स्टार्ट किया था, उसके बाद हमें आलस पूना पड़ गया, हमने ना व्लॉग ही नहीं बनाया भाई उसके बाद। तो भाई अभी हमें आए थे 24/7 कुछ खाने पीने, तो उसके बाद ना पंकू का पारू का फ़ोन आया, तो वो इसको बोलती भाई मैं ना यहाँ कहीं टैटू वाली शॉप पे हूँ, मैं तेरे नाम का टैटू बना रही हूँ तो जल्दी आ जा। पहले तो भाई मुझे लगा मजाक कर रही है, बट फिर उससे सही मैं स्नैप वगैरह भेजी, और वो है तो टैटू वाली शॉप पे ही, बट पता नहीं किसका टैटू बना रही है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो अपनी दोनों बाइक्स लगी हुई हैं यहाँ पे सामने, आप देख ही सकते हो। पेट्रोल तो वैसे भी हमने कल ही भराया था, वैसे भी हमारा प्लान बन रहा था भाई, हमने सोचा कोई नाइट राइड करते हैं आज, एक नाइट व्लॉग बनाते हैं। तभी पारू का भी फ़ोन आया, कहती मैं कहीं टैटू वाली शॉप पे हूँ तो अभी यहाँ आ जाओ, फिलहाल वहाँ चलते हैं पारू के पास, देखते हैं वो क्या टैटू बना रही है। बोल तो रही थी अंकू का कराया, बट आपके दोनों भाई कुछ खा रहे थे, हमने बोला चलो फिर निकलते हैं, और भाई सुबह इंट्रो के अंदर व्लॉग रात को स्टार्ट कर रहे हैं। आज पुणे आ गया हमें, जब लाइट व्लॉग ही होगा भाई, नाइट व्लॉग होगा, रेस होगी पूरी रात भर। पर थोड़ा दिक्कत है चंडीगढ़ में, पुलिस का बड़ा सीन है, रात को बहुत होती है, बहुत पुलिस होती है, देखते हैं क्या बनता है। तो गैस ये रही हमारी बाइक, ये रहा रईस, और ये रही रईस की बाइक। तो भाई अभी हमें पारुल ने बुलाया भाई टैटू शॉप पे, और क्या लगता है टैटू बना रही है। तो गैस वो मुझे दिख भी गई है, अंदर बैठी हुई है, तो चलो भाई चलते हैं अंदर, चल चल। तो गैस ये रही हमारी बाइक्स, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। भाई ये देख रहे हो अंदर, भाई इधर से उसको मैं छुप के देख रहा, इसको नहीं पता भाई अंकू आया हुआ है, और ये बंदी ना भाई टैटू बना रही है, और भाई टैटू शॉप पे है भाई, आप सोच रहे हो झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई इसने मेरे को देख लिया ना, अगर तो मैं फंस जाऊँगा। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर, चल चल चल। हेलो गाइस, देखो बैठी हुई है पारुल। किस लिए बुलाया? इसीलिए? क्या करवा रहे हो? कौन सा है? अच्छा मम्मा पापा का, फिर ठीक है। मोबाइल पे तो कुछ और बोल रही थी। क्या बोला जो तूने? फटाफट बुलाया हम सबको। A few moments later, guys अभी हम आए थे पारुल के पास, और इसने कराया हुआ है टैटू, देख रहे हो? Surprise! अभी पता नहीं है किसके नाम का, वैसे ही बोरी अंकू के नाम का बनाया, बट कभी बोरी मम्मी पापा के नाम पे बनाया। तूने नहीं बोला फोन करते नाम का नहीं है। तो फिर किसके नाम का? किसके नाम का? मम्मी के पापा, मम्मी मम्मी पापा, मम्मी के पापा नहीं, मम्मी पापा का है। ये भाई एक बात, इतना तो मुझे पता है मम्मी पापा के नाम पे नहीं है, बट क्या नाम है वो नहीं पता। तो इसका टाइम लगेगा, भैया बोलता भी ये सूखा नहीं है, बट फिर भी देखते हैं, निकालते हैं हम इसको, जब दिखाने तो आपको दिखाएंगे किसके नाम का बनाया। मुझे तो यही लग रहा है भाई, कहीं अंगू के नाम का ना बना दिया हो, फिर तो अलग ही क्लेश हो जाएगी। पारुल ने टैटू भी कराया हुआ है, तो वो भी देखते हैं किसके नाम का कराया है, वैसे ये बता तो रही नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है भाई इसमें शायद अंकू के नाम का ही कराया होगा यार, ऐसे तो ये बोल रही नहीं कराया नहीं कराया, बट सही बात बोलूँ मुझे तो लग रहा है भाई, क्योंकि पहले ना जब इसने कॉल की ना उस वक्त भी बोल रही थी कि नहीं मैंने नहीं तेरे नाम का टैटू बना रही हूँ आज, अंकू को कॉल करी है, हमने स्पीकर पर रखा हुआ था। उसके बाद हम इधर आए, यहाँ पर टैटू तो बना रही थी, बट हमने वहाँ देखा नहीं। कौन सा तेज चल रहा हूँ यार, कौन सा तेज चल रहा हूँ? क्या हो गया? आप तो मना नहीं कर सकते, क्या है? हाँ ऐसे दस किस
ठीक है चुप करके बैठ जा। अरे यार प्लीज आराम से ही चल रहा हूँ तो चुप करके बैठ जा। क्यों नहीं तो बैठ ना। अच्छा और ये देखो बच्चे भाई बस में से कितना ज़्यादा बच्चे रखना है। खिलारू बच्चे अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट वाली रोड पे। ये देखो यहाँ पे हम अपना टॉप एंड भी चेक कर सकते हैं, क्या बोलते हो करें अभी टॉप एंड चेक? अभी पारो पीछे बैठे हैं ना वरना यहाँ पे मैं अभी 180 मार देता भाई। सही में भाई ये चीखती है बोलती है मेरे बाल खराब हो गए। आजा टॉप एंड ट्राई करते हैं टॉप एंड। क्या हुआ नहीं आया होता ना, वैसे भी दो बंदे बैठे थे ज़्यादा इसने जाना नहीं था। ये देखो इधर कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये जम्मू का स्टंट पॉइंट है भाई, वहाँ पे भी ऐसी साइड पे गाड़ियाँ लगी होती हैं। हैं क्या हुआ? ओहो तो डाइन बन गई है। तो डाइन बन गई है। हो गया ना? क्या हो गया? हो गया। क्या हुआ? ये क्या हाल हो गया? हेलमेट पहना कर ना, उससे भी बाल तेरे खराब होते हैं। क्या क्या हुआ? खाएगी कर ले सीधे बाल। क्या हुआ? भूत क्यों रही है इससे? मैं डर रहे होंगे भूत तो नहीं आ गया तेरे में? और एक भैया देख रहे हैं अंकल गाड़ी से बोल रहे हैं इसको क्या हुआ है। इसकी शक्ल देख, ये पानी भी है यार। अच्छे लग रहे हो सच में। सही में आज असली मतलब इसकी शक्ल बाहर आ गई ना डाइन वाली। यार इतने क्या हाल बना दिया यार, हंस रहा मेरे दोस्त पे यार। हां उधर देख ना अंकल कैसे देख रहे हैं गाड़ी से। अब ठीक कर सकते हो गाइस, देख रहे हो सच में बोल भी रहे थे मेरे बाल खराब होने के। भाई तेरे को पता होना चाहिए कि तू किनके पीछे बैठ रहे हो, तेरे को अच्छे से बाल बांधने चाहिए। अब तू खुले छोड़ के आते तो मैंने वही बोला मैं हेलमेट पहन लिया कर। अगर हमारी कोई गलती है उधर भी बोलती है बाल खराब हो जाएंगे। तूने बोला नहीं मेरे बाल खराब हो जाएंगे, अब वो तो ऐसे भी हो जाएंगे। तो यार तू मानती नहीं है। हेलमेट पड़ा तो था रूम ये है ना, पर आज सीधा थंबनेल लगेगा लाइव गोस्ट। आज लाइव गोस्ट दिख गया हमें सामने। लोग ऐसे बनाते हैं ना वो व्हाइट कपड़ा पहना के, हमें तो सही में दिख गई। ऊपर कहाँ से गोला गोला कहाँ से हो? ऊपर गोला कहाँ है? मतलब गोला कहाँ, कौन से प्लैनेट पे हो? रिमोट वहाँ घूम गया है। गोला कहाँ पे है? ऊपर। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और कहाँ से आप ऐसे? क्या बोल रही है? हमें लगा डायन है। डर क्यों रहा है? डर रहा है यार। वो लगी वैसी रही यार। कर दे बाल सीधे। कहाँ पे? ऊपर कहाँ पे? जुपिटर कौन सा प्लेनेट है? मार्स कौन सा है? तुमको क्यों बताया अपने गोले का? अच्छा चलो अब अपने बाल ठीक है। आप हमारे गोले पे आए हो, हमारे गोले से बता तो दो। अब हम ऐसे ही व्लॉग करेंगे। ऐसे ही व्लॉग करें? क्यों ऐसे ही क्यों करोगे? कि तुम लोग हमको ऐसे ही रखो। हमने कहा ऐसे रखा? हमने तो बोला था हेलमेट पहन लो। हेलमेट दियो हो? अब वो खरीद, हम भी खरीद दें। वो हम ही खरीद के दें। आपको घर पे दिया था हेलमेट, आपने पहना नहीं है। एसएमके का नहीं पड़ा है? कहां? रूम पे। कहां पड़ा है? अब तू आगे पीछे नजर मारेगी नहीं? आगे पीछे नजर मारेंगे नहीं। हां
हमने तो आपको दिया था ना हेलमेट ला के, कहां दिया था ना। दिया था शाम को, बोला था ना हेलमेट पहन लिए। खोपड़ी में तो आज तक भी हेलमेट नहीं लगा। यार ये कैसी लग रही है देखो, ठीक है। दे देंगे डाइन लगी है, आगे से दे देंगे डाइन। रो क्यों रही है, हमारे बाल भी तो खराब हो जाते हैं हेलमेट के अंदर। तुम्हारे बाल उतने के हम काट देते हैं ना। चल अब जल्दी कर, खूबसूरती आ गई। हमें तो डाइन लगा था क्यूट है या नहीं, कहीं सच बताना। क्यूट है नहीं, तू बता जो हाथ में छुपा के रखा है। चीज तो भूल ही गए थे गाइस, हम वो देखो गाइस, देख रहे हो उसकी हरकतें, देखो। अच्छा टैटू दिखा, छोड़ टैटू कहां पे है, छोड़ टैटू दिखा, टैटू दिखा। क्या टैटू कराया है, बता कौन सा है। ये निकल गया है तेरे हाथ से, वो ये निकल गया है। ओ भाई टैटू खराब हो गया होगा, दिख गया। नहीं ये टैटू दिखा तो नहीं, वो ऊपर है। निकाल दे इसको, निकाल दे अब। अच्छा है क्या, निकाल दे, दिखा तो दे, हम भी देखे टैटू। अच्छा टैटू पहले मुझे अच्छी तो लगने दो। बड़ी अच्छी है यार तू भाई, हमारी और लोग तो भी तुझे देखेंगे बहुत। अगर नहीं है, वो चीज दिखाना, हमें टैटू देखना है। ये वैसे भी खुल गया हुआ है यार, सही बोल। उधर हमारे सामने शॉप पे थे, दिखा मुझे है, थोड़ा सा तो है। अच्छा मम्मा पापा का बनाया, क्या बनाया सच बता। आंखें बंद करो, आंखें बंद करना, मैं देखना उनको के नाम का टैटू होगा, दिख के ले लो। यार बंद है ना यार, और बंद है तो दिखा तो सही। वो तो वैसे भी निकल गया मुझे लग रहा है वैसे, इससे थोड़ी इससे फिर भी दिखेगा। ठीक है, क्या कर रही है, बंद है गाइस, बंद है। तू दिखा, दिखा दे इधर, दिखा पहले कैमरे में दिखा क्या है। ओए आगे खोलू, नहीं पर मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। आंखें खोलू, नहीं सच में टैटू करवाया है साले। आंखें खोलू, नहीं चुप हो जा साले, कुछ नहीं है। इतना क्या, दिखा दे नहीं रुक जा, दिखा दे, खोलो, खोल ऐसे रखना, ऐसे खोलना। क्या हुआ, गाइस देखो राजा डीसी, इधर देखा, इधर देखा कैमरे में दिखा। क्या फोटो डाल दूंगी तो फिर देख लेना। नहीं नहीं कैसे दिखाना, पहले दिखाने दे, इस तरफ कर। ये इंक कलर क्यों लग रहा है, कैसे तू तब से 5 घंटे से ये बनवा रही थी। हाँ। इधर भी दिखा ना, यार रुक जा, इधर दिखा तो दे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्यों लग रही है भाई, अभी अभी ताजा बनाया तो इसलिए अभी वो है। यार सच में है, ज्यादा मतलब तेज नहीं कर, मतलब सच में है ये। गाइस ये क्या है, टैटू है। गाइस ये क्या है, मैंने बोला था ना मेरे को पहले ही पता था गाइस इसने कुछ कर रहा है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि भाई मेरे नाम का टैटू भी बना लेगी यार। भाई फोन पे तो इसने पहले बोला था, फिर बोलता नहीं यार कहाँ करा लेगी, बट सही में टैटू कराया यार इसने। क्या बोलेगी, मैं घर में बोलूंगी कि मेरा अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त का कौन टैटू बनाता है, मैं अच्छा दोस्त तो तेरा हूँ, बट टैटू मैंने तो नहीं करवाया तेरा टैटू। तू भी करा दे, कमेंट करके बताऊंगी। एक कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं। इसने ना सही में टैटू बनाया हुआ है इसके नाम का, मैंने इसको पहले बोला था, मैं उसने सही में बनाया हुआ, मुझे लगा था ऐसे ही मतलब कहाँ बनाएगी यार, मतलब इसने पहले बोला कि भाई मैं ना तेरे नाम का टैटू बना रही हूँ, बट मुझे लगा मैं कहीं बनाएगी यार, अब बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। अभी वो देखो वहाँ पे अंकू भी हैरान है, सही में बनाया हुआ है यार इसका टैटू, इतने भी सीरियस क्या हो जाना भाई। इसके कुछ क्या बोलूँ यार, इस बात पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी, मेरे को पहले यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं वो फेक होगा, बट हमारे सामने भाई उस शॉप पे बैठे हुए थे हम, इस मतलब ये गई हुई थी पहले, इसने हमें बुलाया, हम गए वहाँ शॉप पे और वहाँ पे ना उसने टैटू बना रहा था वो बंदा यार। ओह फर्स्ट टैटू इसके नाम का बनाया था सच में, आज तक नहीं बनाया कभी भी।
क्या बोलूं भाई, दिखा एक बार आगे मेरे नाम का। देखो गाइस राजा डीसी, राजा डीसी यार बताना होता है यार। तेरे को मैंने कॉल पे पहले ही बोल सकी पारुल मेरे को बता दे कुछ उल्टा सीधा सीन तो नहीं है। मैं जब टैटू बनवाई थी मेरे को ऐसा होगा। अगर घर वाले देखेंगे तेरे फिर तो मैं उनको बोलूंगी ना, मेरा दोस्त है यार अच्छा, उनको भी पता आज तक पारुल को कोई। तो तूने राजा डीसी क्यों लिखवाया, अंकु लिखवा देती यार। राजा डीसी को सब जानते हैं ना, कल कोई टैटू देखेगा वो बोलेगा यार ये रानी डीसी है। अच्छा अगर अभी पीछे गाड़ी आ रही होती ना फिर मजा आता। क्या क्या सरप्राइज है, क्या है बता। हाँ बता क्या सरप्राइज है, बता हंस क्यों रही है, बता क्यों, क्या फेक है, मिटेगा नहीं। मतलब ये ना दो तीन घंटे के लिए सिर्फ, मतलब असली थोड़ी है, इसने मेरे साथ प्रैंक करा था, मैंने भी करा है। मैंने बोला था ना क्या भाई फेक है, मुझे नहीं लग रहा था रियल, बट मिट तो रहा नहीं है ना यार ये। यार ये दो तीन घंटे के लिए मिटा देती तो फिर कैसे होता, उधर रोड में नीचे जाएगी गाड़ी आ जाएगी। भाई अब देखना, एक बहुत सही सा सरप्राइज है, सच में बहुत तगड़ा सरप्राइज है तेरे लिए, बहुत तगड़ा सरप्राइज है। बता इधर कैमरे में आके बता। बदलेगी आग भाई देख लो, मतलब मेरे को ना सही में मेरे को पता था ये फेक होगा, बट क्या कुछ नहीं उधर बोला, तू अभी कुछ बोला, मैं कुछ नहीं बोला। नहीं सच बोल, कहाँ फेंक है देख रहे ना, मिट्टी नहीं रहा है, कहाँ फेंक है। हाँ हाँ देखिए फूल है ना, इसमें भी मुझे उस दिन फूल दिया था ना अंकु। हाँ यस मैं भी दे दूँ आपको दो, ये फूल है, ये मैं हूँ, अंकु शेरगिल है मतलब राजा डीसी, ये रईस मलिक कैमरामैन, और ये हमारा फूल, और इस फूल पे अगर हम थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे ये नहीं मिटेगा, असली है ना। नहीं ये देखो, अभी मिट गया फूल से मिट गया, प्रैंक था ये। ये देख यहां देख यार गाइस, ओ यार गाइस देखा, मतलब ले लिया बदला, ये मेरे को उस दिन बोल भी नहीं था। ये देखो गाइस पूरा अब मिट गया भाई, अभी तक मिट नहीं रहा, इतना अच्छा भी नहीं है गाइस, ये देख और ये भी है। अच्छा ये वो है ना, मैं बोल रही हूँ अंकु शेर के लिए इतना अच्छा भी नहीं कि उसके नाम पे टैटू करवाऊंगी मैं, ठीक है। गलत सीन है भाई, गलत सीन हो गया, सही में ना मतलब मैंने मुझे जब देखा ना टैटू, ये पूरा इग वाला लगा मेरे को, मैं नहीं भाई ये नहीं है असली, बट हमने ना ऐसे मिटाने की कोशिश में, अगर नॉर्मल पेन वैन से बनाया हुआ ये मिट जाएगा, बट नहीं जिसने ना मतलब वो बंदा टेम्परेरी टैटू भी होता है भाई, एक वो करवाया हुआ है, तो जो मतलब टैटू ही बनाते हैं जैसे उसी पे ऊपर ऐसा होता है, उतना मुझे पता नहीं, बट बनाया है और वो ना मिट नहीं रहा था, अभी भाई आधा मिट गया हुआ है भाई, तो ट्रैक तो अच्छा किया इसका, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, देखो प्रैंक तो अच्छा था, और मतलब पहले ना मुझे शक था बट मिट नहीं रहा था, फिर मुझे यकीन हो गया था। नहीं मेरी बात सुन, इसने मेरे साथ सेम करा था, ठीक है, इसने मेरे को अगर मैं इसके साथ यही फूल वाला मतलब प्रपोज वाला प्रैंक करती, मेरे को बोला कि आप भी सेम करो प्रपोज करो, मतलब अगर मैं वही वाला प्रैंक करती तो लोगों को ये लगता कि मतलब ऐसे कि वही सेम चीज प्रैंक होगा, है ना। मैं बोला कुछ अलग करते हैं, मतलब मैंने अभी चैनल स्टार्ट नहीं करा बट फिर भी
मतलब प्रैंक करने के लिए अच्छा था, दिमाग अच्छा था भैया यार। पर पहले ना मुझे यकीन नहीं हुआ था, भैया ने बोला था कि दो तीन घंटे बाद रिमूव होगा, मतलब अभी पूरा हो भी नहीं रहा, अभी आधा हो गया। हाँ थोड़ा सा ब्लैक कलर जितना भी था ना हल्का फुल्का वो निकल गया, ब्लू बचा हुआ है। जैसे ₹10 का बड़ी मेहनत की है इसने, बड़ी मेहनत की है, लेकिन सही बोलो तो पहला यकीन हो गया था मेरे को, मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने देखा ना सेम प्रैंक करा, मैंने बोला कि मैं सेम करूंगी तो फिर यार शक हो जाएगा इसको कि यार मैंने करा था इसके साथ, तो मतलब ये भी मेरे साथ करी है, तो मैंने टैटू वाले प्रैंक करा। बट लेकिन सही बोलो ना मुझे यकीन हो गया था पहले ना, मैं तुझे बोला पहले मुझे ब्लू लगा, मैं नहीं यार ये अभी मसा वो कुछ फेक है, हां बाद में मिटाने की कोशिश की वो मिटा भी नहीं, सैड हो गया ना यार वो दिन, भाग तो गया। क्या हुआ, सैड हो गया क्या? कैसा लगा तेरे को प्रैंक करके? तू क्यों मारी है, नाम लिखाया है बच्चे से मिटा, पानी से मिटाना ना साले, मम्मी पापा ये प्रैंक क्या प्रैंक? तेरे मम्मी पापा मेरा व्लॉग नहीं देखेंगे, मेरा व्लॉग नहीं देखेंगे तेरे मम्मी पापा, पर ये मिट नहीं रहा यार, यार कितनी खुश है यार, ओ यार प्रैंक करके कितनी खुश है, मतलब तूने दिल में रखा था इसे जो प्रैंक किया था, अब एक काम कर सुनना, जैसे ये नाराज हुई थी अब तू नाराज हो गया, भाग जा छोड़ दे इसको यहीं पे, मैं भी निकल जाता हूँ। जो हम शॉप पे गए ना टैटू वाली शॉप पे, वहाँ से मेरे को यकीन हो गया था मैं शायद सही में इसने बनाया भाई, और वहाँ पे तो भैया बना रहे थे, हमें तो यकीन नहीं हो गया, मुझे तो सही में यकीन हो गया था, यहाँ पे भी आके पर फिर भी मुझे डाउट था थोड़ा बहुत, मैं नहीं यार क्या पता मिट जाए, ट्राई भी की मैंने मिटाने की, बट उस वक्त नहीं मिटा यार, जब इसने मिटाया ना फुल से तो पूरा मिट गया भाई। मैं क्यों डांस करूं? क्या यार बड़ी खुश है यार। A few moments later. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पार्लर को घर ड्रॉप करने, अभी ना काफ़ी लेट हो गया है, और यहाँ पे ना मतलब क्या सीन है ना, हर चौक पे ना पुलिस की मतलब PCR वगैरह खड़ी होती है, ऊपर से आपका पता है अपने साथ सुपर बाइक है, तो इसकी साउंड सुन के पुलिस वाले चौकन्ने हो जाते हैं कि कोई गड़बड़ वड़बड़ हो रही है, बट अभी इसको ड्रॉप तो करना ही था, उसके बाद हमें वापस भी आना है भाई, काफ़ी लेट हो जाएगा, और साथ में जो प्रैंक किया ना भाई वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल प्रैंक कर दिया था इसने भाई आज, इतना ठंड भी बहुत लग रही है इसलिए मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, ऊपर से पावर में तो कुछ पहना भी नहीं है, इसको तो हमसे ज़्यादा ठंड लग रही होगी, हमने तो फिर भी राइडिंग जैकेट वगैरह पहने हुए हैं। बाकी भाई आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।